चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 है ना। आपको याद है अगर कार्बन डेटिंग से हम लाइफ निकालते हैं किसी भी लिविंग प्लांट की, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत भी, तो ये क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे पूछा गया है। दैट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर, ठीक है। एंड वुड कंटेन्ड 80% ऑफ C14 इन द लिविंग ट्री। लिविंग ट्री में कितना 80% C14 है, तो एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। इस ट्री का हमें एज बताना है, या इस वुड का जो उस ट्री से लिया गया है उसका हमें एज बताना है, कितनी एज है। कल मैंने बताया था बेटा सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कौन से ऑर्डर ऑफ होती हैं, ऑर्डर क्या होता है उनका। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस मीन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। देखिए क्या है, के हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने बोला था कल के फॉर्मूला था 0.693/T½। टी हाफ हमें गिवन है, तो मैंने 0.693/T½ कर दिया, ठीक है। फिर हमें पता था टी इज इक्वल टू 2.303 K log A0/AT, ठीक है ना। तो हमें इनिशियल कितना था, अगर मैंने कल बताया था परसेंटेज में क्वेश्चन क्या लेंगे, 100 से करेंगे, तो इनिशियल 100 है, कितने टाइम के बाद 80% हो गया, तो हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो ए नॉट तो कितना है 80, और AT कितना है 80, AT कितना 80% है, तो मैंने यहाँ पे वही कर वैल्यू रख दिया। T इज इक्वल टू 2.303, K की वैल्यू 0.693/, तो 57030 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, log 100/80 आ गया, तो log 10/8 आएगा। जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे यू विल गेट एन एज कितना होगा 141845। देखिए बेटा क्या है, काफी बच्चे जो आंसर निकाल रहे हो 11,000 समथिंग है, आप ध्यान से देखिए हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ तो इतनी है 5730, तो हाफ लाइफ का मतलब कितना 50% होना चाहिए था, तो 50% से तो कम है ना 80%, इसका मतलब क्या होगा जो एज आएगी वो इससे कम आनी चाहिए। तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, आंसर अगर आपका इससे ज्यादा आ रहा है दिस मीन्स क्या है, आपने कहीं एरर किया है। क्वेश्चन ये था कि ट्री में जब इनिशियल ट्री हुआ होगा तो 100% रहा होगा, धीरे 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 कार्बन 14 खत्म हो जा रहा है, खत्म हो रहा है, और एक टाइम पे वो 80% हो गया, तो वो पूछ रहा है कितना टाइम, अब उस समय उसकी एज क्या होगी जब उसके पास कितना 80% C14 है। तो इनिशियल कितना है 100, बाद में कितना है 80, तो आफ्टर इतने टाइम बाद कितना होगा, वो कितने टाइम पे 80% हुआ होगा, तो वो क्या होगा 141845 ईयर्स पे। क्लियर है, क्या ये क्लियर है बेटा अभी आपको क्वेश्चन, क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। अचिंत क्लियर है आपको, ठीक है, राइट, ठीक है। तो प्लीज ना ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट करें बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने, हैव यू नोटेड डाउन, यस या नो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट इन 100 मिनट, 90% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन 100 मिनट, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 80% ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। 90% 100 मिनट में है, तो पूछा हुआ 80% कितने मिनट में कंप्लीट होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज बच्चों ट्राई करेंगे, ठीक है ना, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, फटाफट करके बताएंगे, ठीक है। आप लॉग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो लॉग के साथ आंसर बता दीजिए, लॉग इतना आ रहा है, लेकिन अगर लॉग सिंपल है जो मैंने आपको पहले बताया था log 2 log 3 log 5 log 7 की वैल्यू, ठीक है ना, तो उससे अगर वो आ रहा है तो आप उसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताए। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया था, हाँ निपुण बिल्कुल सही आंसर बेटा, एक्सीलेंट बेटा, हाँ ये नीट का क्वेश्चन है, 2016 का नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला,
ठीक है। हाँ कॉसिल आंसर सही है बेटा, लॉग फाइव की वैल्यू आपको पता है कॉसिल, मैंने लॉग फाइव की वैल्यू पहले बता रखी है। एनी बडी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग फाइव? लॉग फाइव की वैल्यू कौशल? नहीं मानस आपका आंसर रॉन्ग है, मानस आपका आंसर रॉन्ग है। देखिए बेटा हाँ मैंने आपको बताया था कल फॉर्मूला। हाँ हाँ ये सही है, हाँ लॉग फाइव की वैल्यू सही है। सार्थक यू, हाँ सार्थक आपका आंसर गलत है बेटा। हाँ निपुण ठीक है। देखिए क्या है, मैंने बताया था बेटा कल परसेंटेज का फॉर्मूला था, परसेंटेज में लिखना था के इज इक्वल टू वन अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग 100/100 - x, ये लिखना था ठीक है ना। तो हाँ 70 मिनट इज द राइट आंसर है बेटा। मैं अब आंसर आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ठीक है ना। क्या था, के इज इक्वल टू 2.303/100, टाइम कितना था 100, जब पहली बार हुआ था तो 100/100 - x, तो यहाँ से के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 2.303/100, क्योंकि लॉग 10 कितना हो गया 1। अब के हमने 80% के लिए कैलकुलेट किया, के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग 100/100 - 80 ठीक है। तो ये 100/20 आ गया ठीक है ना, तो 100/20 मतलब लॉग 5 आ गया। यहाँ पे के की वैल्यू हमने ये पुट कर दी 2.303/100, और ये 2.303t लॉग 5 था, ये कैंसिल, तो 100 log 5 आएगा। लॉग 5 की वैल्यू बेटा 0.7 होती है अगर आपको याद है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 मिनट। टी कितना हो जाएगा 70 मिनट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गिव्स बी इफ रेट कांस्टेंट इज 6.93 × 10⁻³ पर मिनट, 6.93 × 10⁻³ देन कैलकुलेट टी हाफ, टी 2/3 एंड टी 1/3 ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लो ठीक है, उसके बाद फिर आप ये ट्राई करना बेटा ठीक है ना। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? हैव यू नोट डाउन द क्वेश्चन? यस या नो बेटा, क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? देखिए क्या है बेटा, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा टी 2/3 बताइए, टी 2/3 का ये मतलब बेटा कि 2/3 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्या हो गया, 2/3 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब बोलेगा टी 1/3 बताइए, तो हम बोलेंगे 1/3 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे टी हाफ है तो हम क्या बोलते हैं कि 1/2 या 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो कभी पूछ रहा है टी 2/3, टी 1/3, टी 5/6, तो आप बोलेंगे कि टी 5/6 मतलब 5/6 क्या है, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो प्लीज अब ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। ए गिव्स बी था और के गिवन था 6.93 × 10⁻³ पर मिनट ठीक है। क्या मुझे बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एनीबॉडी कैन टेल इट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? भव्य दी, भव्य आंसर गलत है बेटा आपका। ऑर्डर क्या है, 1। व्हाई ऑर्डर इज 1? एनीबॉडी, व्हाई ऑर्डर इज 1? व्हाई ऑर्डर इज 1? हाँ, बिकॉज ऑफ यूनिट ऑफ के, एक्सीलेंट, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स। सो क्या है ये इन राइट, तो यूनिट ऑफ के का ध्यान रखना है, उसके हेल्प से मैंने पहले बताया था हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। भव्यदीप आपको क्लियर है अभी? भव्यदीप, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें पता है बेटा, आप सबसे पहले अगर हम टी हाफ निकालें, टी हाफ क्या आएगा, एनी बडी वॉट इज द टी हाफ? वॉट इज टी हाफ? हाँ टी हाफ नहीं, कौशल रॉन्ग आंसर है कौशल तुम्हारा, नहीं कुमार गौरव तुम्हारा भी आंसर रॉन्ग है। टी हाफ बहुत ही सिंपल बेटा, क्या था फॉर्मूला, 0.693/k, तो 6. क्या था, 6 आपको टी दे, हाँ रवि का आंसर सही है, अपॉन के कितना था 6.93 × 10⁻³। सॉल्व करेंगे तो 100 मिनट आएगा, तो टी हाफ कितना है 100 मिनट, टी हाफ कितना है 100 मिनट। क्लियर है गौरव? गौरव क्लियर है आपको ये?
टी हाफ कितना है 100 मिनट, ठीक है राइट। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब टी वन बाय थ्री बताएंगे, कौन बताएगा टी वन बाय थ्री या टी टू बाय थ्री, कौन बताएगा टी टू बाय थ्री कितना आएगा। गिव आंसर इन लॉग ऑन दी, लॉग में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग कितना आएगा बस इतना बता दीजिए। इस दोनों में लॉग के अंदर क्या आएगा, ये बाहर क्या है वो छोड़ दीजिए, टेल मी व्हाट इज इनसाइड द लॉग, ठीक है। चलिए मैं करके बताता हूँ, ठीक है लॉग। हाँ विशाल का आंसर सही है, विशाल का आंसर सही है, ठीक है विशाल राइट, ठीक है। देखिए यहाँ मैं करके बताता हूँ, नहीं धनुर आंसर रॉन्ग, हाँ धनुर आंसर रॉन्ग है बेटा आपका, ठीक है। देखिए क्या है, ए नॉट, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ए नॉट, सभी लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, जब टू बाय थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ए टी क्या हो गया ए नॉट, टू थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो x है कितना निकल गया, टू थर्ड ऑफ a निकल गया, तो टू बाय थ्री कितना a नॉट, तो जो ए टी आएगा वो कितना आएगा a नॉट बाय थ्री, जब टू थर्ड कंप्लीट हो गया मतलब टू थर्ड तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना रह गया वन बाय थ्री, तो ए टी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, तो जब रिएक्शन टू बाय थर्ड कंप्लीट हो गई तो बचा कितना रह गया a नॉट माइनस x, तो a नॉट माइनस x और ये x बना था, तो x कितना है 2 बाय 3 a नॉट, तो a t कितना हो गया a नॉट बाय 3, तो अब क्या होगा 2.303 अपॉन k log, ठीक है ना, log क्या था a नॉट अपॉन कितना a नॉट बाय 3, तो a नॉट कैंसिल, तो 2.303 अपॉन k log कितना आ जाएगा 3, ये t कौन सा है 2 बाय 3, ये t क्या है 2 by 3, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं प्लीज। हाँ क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, वो बोल रहा है कि टाइम बताइए जब टी टू बाय थ्री बताइए, टी टू बाय थ्री का मतलब टू बाय थर्ड ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब दो टू बाय थर्ड कंप्लीट हो गई तो बचा कितना रह गया निपुण, अगर दो टू बाय थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब टू बाय थर्ड प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट में चला गया तो रिएक्टेंट कितना बचा रह गया निपुण, हाँ ए बाय ए नॉट बाय कितना 3, क्योंकि आपने क्या लिखा था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स कितना है 2 बाय 3, तो ए नॉट इज इक्वल टू 2 बाय 3 ऑफ क्या था ए नॉट, तो ए टी क्या आ गया ए नॉट बाय 3, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ मैंने आपको एक ना मैंने कल आपको एक शॉर्टकट बताया था फॉर्मूले का, आप ध्यान से देखिए मैं उसका यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद है, ठीक है कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला अगर आपको याद है, देखिए ये वाला, ये नाइन्थ नंबर ऑफ फॉर्मूला, इफ एफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब टी 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, अगर लॉग में लेंगे तो यहाँ 2.303 आएगा, ln 1 अपॉन 1 माइनस f, f के जगह मैं क्या पुट करूंगा, कौन बताएगा f के जगह मैं क्या पुट करूंगा, हु विल टेल द आंसर, f के जगह क्या पुट करेंगे हम 2 बाय 3, कितना पुट करेंगे 2 बाय 3, यू विल डायरेक्टली गेट एन आंसर, यू विल डायरेक्टली गेट एन आंसर। आप देखिए ठीक है, देखिए ध्यान से, ये देखिए हाँ ये तो पहले मैंने वैसे प्रूव किया जो मैंने अभी बताया था, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्टकट, ठीक है ना, वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टी 2 बाय 3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस क्या था एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी है 2 बाय 3, तो आंसर कितना हो गया टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कितना हो जाएगा 3, करेक्ट है ना। आप सीधे टी 2 बाय 3 आप निकाल के बताएंगे कितना होगा, हाँ ठीक है विशाल, ठीक है तो 1 बाय 3 कितना होगा, यहाँ पे f की जगह क्या पुट कर देंगे 1 बाय 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 2 बाय 3। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है क्लियर है, तो प्लीज हाँ परसेंटेज के लिए वो वाला फॉर्मूला 100 अपॉन 100 माइनस एक्स
और जब फ्रैक्शन होगा तो फॉर्मूला 1/1 - f, ठीक है ना। प्लीज इसको दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे बता, आप आंसर कर बताइए, ठीक है ना, कि जब 5/6 मुझे निकाल के बताइए, कौन बताएगा t5/6, कैलकुलेट t5/6 लॉग के अंदर क्या आएगा, जस्ट टेल मी t5/6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, t5/6 = 1/k ln 1/1 - 5/6, तो आंसर क्या होगा, ln 6, है ना, तो बाहर आ जाएगा 1/k ln 6, या अगर लॉग में लिखना चाहते हैं तो 2.303 ln 6। समझ में आ गया बच्चों ये, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए, t3/4 कितना आएगा, t3/4 कितना आएगा, log 4, एक्सीलेंट, कितना आएगा, log 4, एक्सीलेंट, ठीक है। चलिए एक और बताइए, t1/5 कितना आएगा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, तो लॉग क्या हो जाएगा, अगर हम लॉग लिखते हैं या ln लिखते हैं, 1/k ln 1/1 - 5, तो 5 कहाँ गया, ऊपर नीचे हो गया 4, तो 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4, करेक्ट ना बच्चों, क्लियर है, यूज कर लेंगे दोनों फॉर्मूले को, 1/k log या ln 100/100 - x और 1/k ln 1/1 - f, डायरेक्टली यूज करना है बेटा, डोंट गो इन डिटेल, ठीक है ना। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बता रखा है, ठीक है, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 molar to 0.4 molar। हाँ ये सॉरी, यहाँ पे मैंने ये प्लीज करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ 2/3 लिखा है, यहाँ पे 3 तो ऊपर जाएगा और नीचे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, ठीक है, तो प्लीज करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है, अपने नोट्स में अगर आपने ऐसे मेरा जैसा लिखा हुआ है तो करेक्ट इट, है ना, इट इज 3/2 आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 molar इन 15 मिनट, कितना है 15 मिनट में है। द टाइम टेकन फॉर अ कंसेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 molar to 0.025 molar इज, चलिए करके बताएं, क्या हमें लॉग की फॉर्मूले की जरूरत है, हम नहीं, देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने शॉर्टकट बनाया था अब हम उसका यूज कर रहे हैं। देखिए क्या है, ए नॉट कितना है 0.8 molar और ए टी है 0.4 molar, तो ये हाफ हो गया, तो हाफ हो गया इसका मतलब ये कितने मिनट में हुआ, 15 मिनट में, इसका मतलब जो टी हाफ है वो कितना है, 15 मिनट है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट लगा रहा हूं जो मैंने आपको डिराइव कराया था, कल लिखा था ए नॉट अपॉन ए टी इज 2 to the power n, ठीक है, ए नॉट कितना था 0.1 molar और ए टी बोला हुआ है 0.025 molar इज 2 to the power n, तो ये आ जाएगा 4 2 to the power n, तो n आ जाएगा कितना 2, व्हाट इज n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या था n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो फॉर्मूला दूसरा मैंने शॉर्टकट बनाया था, t given is equal to n times of t half, तो ये t और half कितना 15, तो आंसर कितना होगा 30 मिनट। सो यहाँ पे मैंने हमने तीसरा जो तीसरा फॉर्मूला जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसका यूज किया, a not upon a t is 2 to the power n, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला था t given is equal to n times of t half, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये बताइए बच्चों, ठीक है, कि कैलकुलेट क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये वाली, इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल रेट, कैलकुलेट करके बताएंगे इनिशियल रेट एंड रेट आफ्टर 1 आवर, या हाँ आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद रेट बताएंगे, इनिशियल रेट बताना है और रेट आफ्टर 1 बताना है, 1 आवर बताना है, तो क्या होगा,
तो देखिए क्या है बच्चों, मैंने आपको जब मैंने बताया था लास्ट में बताया था, ये अगर आपको याद है थोड़ा बहुत भी, जब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा था और मैंने ये लास्ट में एक पॉइंट बताया था आपको, अगर आपको ये ध्यान है थोड़ा बहुत भी, कि रेट एट एनी टाइम टी, मैंने क्या कहा था, आर इज इक्वल टू के इंटू ए टी पुट कर देना है बस। तो जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम की आपको कंसंट्रेशन पुट करनी है इन रेट लॉ। तो उसने क्या पूछा था, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट मतलब हमें यहाँ पे ए टी क्या पुट करना है, ए नॉट पुट करना है, ठीक है ना। ए नॉट पुट करने का मतलब क्या है, पॉइंट वन। सो दिस मीन्स जो इनिशियल रेट जो आएगा आर इज इक्वल टू के, के की वैल्यू क्या होगी, 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ कितना है 15 और ए नॉट कितना है 0.1। तो ये हमें मिलेगा क्या, इनिशियल रेट, क्या मिलेगा, इनिशियल रेट 0.693 अपॉन 15 इंटू 0.1, क्योंकि हमें पता है जो टी हाफ होता है या जो के होता है वो 0.693 इंटू क्या होता है, टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ हमें पता था, उसके हल से मैंने के निकाल दिया और यहाँ क्या पुट कर दिया, इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब मुझे आप रेट आफ्टर वन आवर बताएंगे, देखता हूँ कौन बताता है। देखिए यहाँ, ठीक है, रेट आफ्टर वन आवर कह रहा है, इसका मतलब हमें वन आवर पे कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। हमें पता है वन आवर का मतलब कितना, 60 मिनट, दैट इज एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है ना, एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टी गिवन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, राइट। आप देखिए जस्ट, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, आप देख लीजिए दोबारा से। तो ये एन इंटू टी हाफ है, ठीक है ना, और ये 60 इंटू एन, और ये था 15, तो एन कितना हो गया, 4, एन कितना हो गया 4। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो वाला, ए नॉट अपॉन ए टी इज 2 to the power n। सो दिस मीन्स ए टी क्या हो गया, ए नॉट अपॉन 2 to the power n, दैट इज 0.1 अपॉन 2 to the power 4, दैट इज 0.1 अपॉन कितना, 16। सो दिस मीन्स हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू के, दैट इज 0.693 अपॉन कितना, 15 इन टू कितना, 80, 80 क्या है, 0.1 अपॉन 16। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने ट्रेडिशनल क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। देखिए क्या है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये जो फॉर्मूले है ये दोनों, टी गिवन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टी हाफ और ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू 2 to the power n, क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या ये हमेशा एप्लीकेबल होगा या कभी एक स्पेशल केस में एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या हर जगह एप्लीकेबल होगा या किसी के स्पेशल केस में होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 2 का मल्टीपल। तो अगर यहाँ आपको देखते हैं a नॉट अपॉन ए टी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर a नॉट अपॉन ए टी 2 का मल्टीपल है बच्चों, तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, ये a नॉट अपॉन ए टी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो आप पहले क्रॉस चेक कर लेना क्या ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो आप इसको अगर वो है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लॉग से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज 512 मोलर है, देखता हूँ कौन बताता है, 512 मोलर है और अब 128 मोलर हो गया 20 मिनट में, कितना हो गया 20 मिनट में, 512 मोलर था और अब 128 मोलर हो गया 20 मिनट में, तो क्या मुझे बता सकते हैं क्या ये एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे 512 को किससे, 128 से, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या, 4 क्या है, मल्टीपल है 2 का, सो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों जो मैंने अभी लास्ट में बताया आपको, समझ में आया, ठीक है, राइट।
चलिए बच्चों, हाँ अब हम सेकंड ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन लिखा हुआ है, प्लीज। हाँ ठीक है, पहले बात मैं बता दूं बच्चों कि हमें सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न इट। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है, राइट। बट सेकेंड ऑर्डर का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, किसी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है, बट वो भी इसका स्पेशल केस पूछता है सेकंड ऑर्डर का, वो हम अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सेकंड केस है, जो स्पेशल केस है सेकंड ऑर्डर का, वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम क्या, हमें सेकंड ऑर्डर आता होगा। इसीलिए मैंने सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन आपके लिए करी हुई है, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, या अदरवाइज आप पेज छोड़ दीजिए, बाद में आप कर लेना, जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तब आप नोट कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर का थ्री डिफरेंट केसेस में डिस्कस किया हुआ है, केस वन, केस टू और एक केस क्या है, थ्री है, ठीक है ना। केस वन क्या है, देखिए केस वन है एक इस प्रोडक्ट, ठीक है ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ए नॉट और ए टी कितना, ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, इस बार रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेकेंड। तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए नॉट की पावर कितना, स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू के नॉट ए की पावर स्क्वायर, और R क्या है, dx by dt, तो k क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस x का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको याद है बेटा, ये हमने nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया था, जब मैंने हमने इंटीग्रेटेड वो पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, तब मैंने क्या बताया था वहां पे, वन अपॉन, हमने डिराइव किया था सेकेंड ऑर्डर के लिए, वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू के इन टू टी। बोर्ड में भी नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना, करेक्ट है। सो के टी इज इक्वल टू कितना होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये के टी इज इक्वल टू, ये हमने पहले किया था अगर आपको याद है, के टी इज इक्वल टू वन वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट, ठीक है, करेक्ट है बच्चों, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब क्या है, ये जो केस नंबर टू है, केस नंबर टू में क्या है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट था, यहाँ दो रिएक्टेंट है ए और बी, बट इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, दोनों की सेम है, हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या ले रखी है, सेम। तो ये क्या होगा, ए नॉट और ए नॉट, ये ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, तो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन और बी टू द पावर वन, क्योंकि ऑर्डर टू है तो पावर वन वन है, तो के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स और यहाँ भी ए नॉट माइनस एक्स, तो ये दोनों इसके बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद दोनों की डेरिवेशन क्या है, सेम है, और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यही आंसर आएगा। अगर आपको याद है बेटा, देखिए मैं अपनी वो मोबाइल दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमने पहले डिराइव किया था, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये, ठीक है, ये वाला वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के इन टू क्या था, टी। ये हमने कब डिराइव किया था, जब हमने क्या किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सिर्फ ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, किसके लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं था, बाकी सभी के लिए क्या था, एप्लीकेबल था, ठीक है ना, राइट, ठीक है। अब केस नंबर थ्री है बच्चों, केस नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसका जो केस नंबर थ्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अरे केस नंबर टू में डिफरेंट कंसिडर, वो केस नंबर थ्री बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना विशाल, ये केस नंबर थ्री है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, जब आंसर नहीं मिलेगा तब पूछना। ठीक है, अरे अरे गौरव बेटा, क्या मजाक लगा रखा है यार। अगर ए की पावर, गौरव तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए की पावर जीरो रख दूं और बी की पावर टू रख दूं तो ये ही नहीं हो जाएगा गौरव, मैं यहाँ पे ए की पावर जीरो रख दूं और बी की पावर टू रख दूं तो यही नहीं हो जाएगा गौरव, फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा, ये क्या सिली चीज पूछ रहे हो, इसकी ये और ये तो एक ही चीज है ना, सारे पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे, यहाँ जीरो पुट कर दो या इसको जीरो पुट कर दो तो ये केस हो जाएगा, दोनों एक ही केस है, क्लियर है। जो विशाल तुम पूछ रहे हो वो केस मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट हो, अगला वही केस है, कंसेंट्रेशन डिफरेंट वाला ही है, ठीक है। सो देखिए यहाँ केस नंबर जो थ्री है, ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या, ए नॉट और बी नॉट, ठीक है, क्लियर है।
अब क्या हो जाएगा एट टी टाइम पे ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है रेट लॉ क्या हो जाएगा ए टू द पावर वन और बी टू द पावर वन। अब आर इज इक्वल टू क्या है के ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है राइट। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स। तो हमने इसको इधर ले गए तो ये जीरो टू एक्स इंटीग्रेट किया ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स और यहाँ से जीरो टू क्या हुआ टी हुआ के इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पे यहाँ इंटीग्रेशन में भी आप पढ़ रहे होगे या अभी आपने शुरू किया, क्या आप लोग इंटीग्रेशन आपने पढ़ना शुरू किया अभी तक, क्या इंटीग्रेशन आपने पढ़ा बेटा अभी तक, ठीक है। तो ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स क्या मुझे बता सकते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आप बता सकते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एनीबडी? चलिए यहाँ ठीक है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, देर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। हम क्या कर रहे हैं देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसको अलग अलग कर रहा हूँ ए नॉट माइनस एक्स और इधर मैंने अलग कर दिया बी नॉट माइनस एक्स। तो जब आपने ऐसे किया तो हुआ क्या देखिए, क्योंकि जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम डिनोमिनेटर में तो यही आया होगा ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स, लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो गया देखिए बी नॉट माइनस एक्स और ये माइनस ए नॉट और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो जब आपने अलग अलग किया तो आपने न्यूमरेटर में बी नॉट माइनस ए नॉट को एड कर दिया, मतलब वहां पे न्यूमरेटर में ये आ गया, इसका मतलब ये चीज एक्स्ट्रा आई, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बी नॉट माइनस ए नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा और अब ये डी एक्स है, ठीक है। तो ये बी नॉट माइनस ए नॉट तो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गया जीरो टू एक्स और ये हो गया वन अपॉन, अब अलग अलग कर दें डी एक्स ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, या ऐसे कर दें डी एक्स और फिर जीरो टू या माइनस जीरो टू एक्स डी एक्स अपॉन बी नॉट माइनस एक्स। अब हमें पता है इनका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ एल एन ए नॉट माइनस एक्स और इसका हो जाएगा माइनस एल एन बी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये तो और प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या रह जाएगा माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है बी नॉट माइनस ऐसे किया, ये वाला क्या आ गया माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना, करेक्ट है। अब ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हमने लिख दिया बी माइनस या बी नॉट माइनस एक्स और ए नॉट माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, जब लोअर लिमिट करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एल एन बी नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इन टू डी टी। अब ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी फिर से हो गया, तो ये हो गया वन अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट एल एन बी नॉट माइनस एक्स इन टू ए नॉट, जो डिनोमिनेटर वाला कहाँ चला गया ऊपर, और यहाँ हो गया ए नॉट माइनस एक्स इन टू बी नॉट और ये हो गया के इन टू टी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया के टी इक्वल टू वन अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट एल एन बी नॉट माइनस एक्स अपॉन इन टू ए और ए नॉट माइनस एक्स इन टू बी, या लॉग में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 बी नॉट माइनस ए नॉट लॉग और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट, क्या आपने नोट कर लिया? मैं फिर से बोल रहा हूँ हमारे पास ये इंटीग्रेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है या आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, यस या नो? ठीक है, अगर आप छोड़ भी दीजिए लीव सम पेजेस कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लास्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जो इसका स्पेशल केस है बच्चों, स्पेशल केस क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्या है सूडो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है बच्चों, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक है,
लेट सपोज हमारे पास वही क्वेश्चन था, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और हमारे पास ए नॉट और बी नॉट है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट, वो आया था के इंटू टी इज इक्वल टू वन अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट एल एन बी माइनस एक्स। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है और आता भी है, अपॉन कितना ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट। अब आप ध्यान से देखिए क्या है, अगर इफ देखिए क्या है, इफ बी नॉट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी बहुत ज्यादा है किससे, ए नॉट से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट के बराबर, ठीक है ना। और अगर बी नॉट ए नॉट से बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली बी नॉट एक्स से भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स तो डिसोसिएट कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी किसके बराबर हो जाएगा, बी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हो तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन बी नॉट इंटू एल एन, ये हो जाएगा बी नॉट इंटू ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इंटू ए नॉट, ये कैंसिल हो गया। सो दिस मीन्स के टी इज इक्वल टू वन अपॉन बी नॉट एल एन बी नॉट अपॉन, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ बी नॉट था तो ये बी नॉट से कैंसिल करना था, बी नॉट ये बी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिलेगा ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूँ के इंटू बी इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स लिख दिया मैंने, तो ये जो के बी हो गया, के कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो मैं यहाँ एक और कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ के डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए ये किसका, ये क्या किसका एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, क्या है फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, इसका मतलब रिएक्शन क्या थी सेकंड ऑर्डर, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर है और उसमें से एक किसी एक किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इस रिएक्शन को अब हम बोलेंगे सूडो, क्या बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो के है, ये जो के था, ये था रेट कांस्टेंट किसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, लेकिन जो के डैश है, जो आपने लिखा के इंटू बी, ये जो के डैश है ये है रेट कांस्टेंट फॉर किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो ये सारी हमने इसीलिए वहां पे कैलकुलेशन करी सो दैट मैं ये आपको समझा सकूं, अगर हम ये वहां पे डिराइव नहीं करते तो ये हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने वहां पे वो स्पेशल केस डिस्कस किया सो दैट, मतलब वो थर्ड केस डिस्कस किया सो दैट हमें ये आता हो, ठीक है, क्लियर है बेटा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, मैं अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बस आप समझ लीजिए उसके बाद नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया के डैश, राइट, ठीक है, याद रखेंगे बेटा जो के डैश है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट है और जो के था वो सेकेंड ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, दिस सेम एज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस मीन्स If concentration of any reactant is much higher than any other reactant in यहाँ पे लिखना चाहिए था in second order reaction then it will become, क्या बन जाएगा, then it will become first order reaction, ठीक है, then the reaction will be first order reaction, या हमने पहले ही लिख दिया इसको, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, then the reaction will become pseudo first order reaction, हम क्या बोलेंगे इसको, pseudo first order reaction, क्लियर है बच्चों, मैं क्या वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सही करके दे दूंगा आपको, ठीक है ना, स्टेटमेंट को k is equal to क्या है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड k डैश क्या है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर pseudo first order reaction, k डैश क्या है, k into क्या है, b है, क्लियर है बेटा, क्लियर है आपको, क्लियर है राइट, ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है बेटा और कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है, अब प्लीज ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सूडो
ऑर्डर जो रिएक्शन होगी बेटा वो दो ही तरीके से सूडो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, एक तो अभी हमने डिस्कस किया, या फिर क्या है, या कोई रिएक्टेंट एक्सेस में हो बहुत ज्यादा हो, या फिर क्या हो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, कैटलिस्ट आ जाए, क्या आ जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट अपीयर हो जाए। और हमें पता है कैटलिस्ट का मास तो थ्रू आउट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे अब देखिए क्या लिख दिया मैंने, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और लेट्स सपोज यहाँ कैटलिस्ट सी था, लेट्स सपोज का रेट लॉ जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, ए इंटू क्या आया, सी, के ए इंटू सी। अब ऑर्डर तो कितना है, टू है, बट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के डैश इंटू ए लिख सकता हूँ, क्योंकि जो के डैश है वो क्या हो जाएगा, k इंटू क्या हो जाएगा, c, क्योंकि c की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है तो k भी कांस्टेंट है, तो k इंटू c को मैंने क्या लिख दिया, k डैश। तो अब ये क्या बन गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन दो ही केसेस में हो सकता है, या तो क्या हो कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, या फिर क्या हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या अपीयर होता हो, कैटलिस्ट आता हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है बच्चों, देखिए, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स इज स्टडीड बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक कम करके, जैसे ऑर्डर कितना था, टू, बट हमने कितना बना दिया, वन। तो रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स स्टडीड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब आप काइनेटिक्स क्या करेंगे किसी रिएक्शन की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, एक डिक्रीज करके पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगा। एंड इट हैपन्स कब होगा, इट हैपन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, जो पहला पॉइंट था, या फिर इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट। तो दो ही केसेस में हो सकता है, या तो कि कंसेंट्रेशन एक्सेस में हो, या रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आता हो, कैटलिस्ट आता हो। क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है इस चीज को, डोंट वरी अबाउट इट राइटिंग विट, आई विल गिव यू द पीडीएफ नोट, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, क्लियर है, ठीक है। आई विल जस्ट सर्कुलेट आफ्टर द क्लास, आई विल गिव यू अ पीडीएफ फाइल, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों क्या है, आपको ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी लगाए बेटा कम है, कम से कम 10-15 बार पूछा जा चुका है ये दोनों ही केसेस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। इसीलिए मैं बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर पहला क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाद में, बट याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर है एसिडिक मीडियम में एस्टर, एस्टर होता है RCOR- प्लस वाटर गिव्स H+ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स RCOH और R डैश OH अल्कोहल, और क्या मिलता है एसिड, ये आपको पता है, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू K एस्टर और H+, H+ क्या है बच्चों, कैटलिस्ट है, सो दिस मींस मैंने यहाँ क्या लिख दिया, K डैश, तो K डैश इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू H+, तो K डैश क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और K क्या है, रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सिमिलरली क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है इनवर्जन ऑफ सुगर का, ठीक है ना, सुगर मतलब सुक्रोज, दैट इज C12H22O11, पानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स ग्लूकोज और फ्रेक्टोज, ठीक है ना। इनवर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है एक डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है, लीवो होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, आपको अगर आप याद है, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसका रेट लॉ क्या था, R इज इक्वल टू के सुगर इंटू एच प्लस, एच प्लस यहाँ भी कैटलिस्ट है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश सुगर, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है ना, एक थर्ड एग्जांपल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आप बस मैंने लिखा हुआ है आप लिख लीजिएगा, पहले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड को जब वाटर जब एल्कोहल से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसीटेट मिलता है, इथाइल एसीटेट और वाटर मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इथाइल एल्कोहल होता है वो एक्सेस में होता है, इसीलिए जब आप इसका ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये एक्सेस में है, तो इसको हम कॉन्स्टेंट मान लेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाए के डैश इंटू, ठीक है ना। तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है होता है, ठीक है ना। इसी रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, अगर आपको याद है, क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एस्टर, ठीक है। आर सी ओ आर डैश प्लस एन ओ एच गिव्स आर सी ओ एन ए और आर ओ एच मिलता है, ठीक है ना।
दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर. R इज इक्वल टू के इन टू आर सी ओ आर डैश वन, और यहाँ भी कितना वन होता है. हाँ, साबुन बनाने वाले का, साबुन बनाने का यही रिएक्शन होता है, यही साबुन होता है. आर सी ओ आर एन ए क्या होता है, सोप होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं इस रिएक्शन. क्लियर है, राइट. चलिए यहाँ, ठीक है, मैं मुझे एक दो मिनट और दीजिए, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में, जस्ट आप देखिएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, राइट. देखिए बेटा, हाँ, आरेंज में बाद में बताऊंगा उस चीज को, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए प्लस बी गिव्स इतना. अब ध्यान से देखिए क्या है, व्हेन स्टडीड इन 0.1 मोलर ऑफ बी इज गिवन एज डी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए, वेयर के गिवन है 1.85 × 10⁴ पर सेकेंड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर का. ये रिएक्शन है, उसका रेट लॉ गिवन है, ठीक है ना, बी की वैल्यू गिवन है, के गिवन है इसका, ये के यहाँ पे, उसने सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पूछा हुआ, क्या बता सकते हैं क्या आंसर आएगा. देखिए यहाँ रेट क्या है, रेट डी ए माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, आर होगा, माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, आर नहीं जतिन बेटा, रॉन्ग है आंसर. तो आर इज इक्वल टू क्या है, के इन टू ए है, बट अगर आप देखें यहाँ a और b है, तो r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, a इंटू क्या होना चाहिए था, b, ठीक है ना, क्लियर है, राइट, k इंटू b. अब आप ध्यान से देखिए क्या है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे k इंटू b को k डैश लिख रहा हूं, तो इसको लिख दिया मैंने k डैश इंटू a, क्या लिख दिया, k डैश इंटू a लिख दिया. इसका मतलब क्या है, जो k डैश है वो क्या है, k इंटू क्या है, b के बराबर है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, जो ये आएगा उससे डिवाइड क्या हो जाएगा, 0.1. हार्ट, एक्सीलेंट गौरव, बिल्कुल गौरव का आंसर सही है. नहीं बेटा 0.3 नहीं आएगा, 0.5 आएगा, ये मिस्टेक है. आर्यन करेक्ट करो बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. देखिए ध्यान से, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बाई के की, मैंने इसको यहाँ पे के डैश लिख दिया है, के डैश ए है, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए 1.85 × 10⁴ into a, assuming it to be second order, तो minus da by dt क्या होता a, और ये क्या given है यहाँ पे देखिए, ये क्या था, minus k by t, k dash into a, इसका मतलब जो k dash है वो क्या है, k into a है, k into b है, sorry, हाँ अभी सही है विशाल, सही आंसर आपका, ठीक है. तो k क्या हो जाएगा, 0.1 1.84 × 10⁴ divided by कितना, 0.1, that is k is equal to क्या हो जाएगा, k dash into b, तो k क्या आ जाएगा, 1.84 × 10⁵ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा.